सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे एनएचपीसी ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट डिस्क्लोज कर दिए हैं। तो कैसे रहे हैं क्वार्टर वन के रिजल्ट्स और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें कैसा देखने को मिलेगा स्टॉक के ऊपर, तो चलिए जानते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे हम डिस्कस करेंगे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स को लेकर, ऑल फिगर इन रुपीज करोड़ में दे रखे हैं। अभी ये करंट क्वार्टर है, ये प्रीवियस और ये प्रीवियस ईयर का सेम क्वार्टर। तो अब की बार जो टोटल इनकम हमें देखने को मिल रही है वो आप लोग देख सकते हो 3037 करोड़, जो प्रीवियस क्वार्टर में 2320 थी और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 3010 करोड़ की इनकम थी। यानी कि ईयर टू ईयर और क्वार्टर टू क्वार्टर आप लोग देखोगे इनकम में हमें काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आप लोग देखोगे इसके जो एक्सपेंस रहे हैं, अभी खर्चे जो किए कंपनी ने वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, अभी 1618 करोड़ के रहे हैं, जो प्रीवियस क्वार्टर में 1393 करोड़ थे, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1655। यानी कि ईयर टू ईयर एक्सपेंस में गिरावट है बट क्वार्टर टू क्वार्टर एक्सपेंस में हमें जंप देखने को मिला है। लेकिन अब की बार रिवेन्यू फिर एक्सपेंस से ज़्यादा, मतलब कंपनी ने फिर से प्रॉफिट बनाया है, बट कितना प्रॉफिट है चलिए देखते हैं। अभी प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर मैं बात करूँ तो अब की बार जो प्रॉफिट अभी वो है 1108 करोड़ का, जो प्रीवियस क्वार्टर में 610 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1095 करोड़ के इसके प्रॉफिट्स थे। तो ईयर टू ईयर प्रॉफिट्स में काफ़ी अच्छा जंप है एंड क्वार्टर टू क्वार्टर ऑलमोस्ट डबल होते हुए नजर आया अभी प्रॉफिट। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी अर्निंग पर शेयर यानी कि जो EPS हमें देखने को मिला है इसका वो कैसा है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अभी अर्निंग पर शेयर 94 पैसे, जो प्रीवियस में 36 था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 99। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रिजल्ट फ्लैट से आ रहे हैं बट क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पर जबरदस्त आए हैं, जिसका इम्पैक्ट बिल्कुल पॉजिटिव हमें कल के दिन देखने को मिलना चाहिए। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी नेट प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है, नेट प्रॉफिट मार्जिन जो हमें देखने को मिल रहे हैं वो कैसा है, यहाँ पर देख सकते हो 41.14 जो प्रीवियस में क्या था 32.36 और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से आप लोग देखोगे 39.73% है। तो ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर नेट प्रॉफिट मार्जिन में जंप है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स की अगर मैं बात करूँ तो ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी आप लोग देखोगे क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुए हैं बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हल्के से डाउन आए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और इसका जो इम्पैक्ट है वो बिल्कुल पॉजिटिव हमें देखने को मिलेगा। डेट इक्विटी रेशियो आप लोग देखोगे ईयर टू ईयर तो इंक्रीज हुए हैं बट क्वार्टर टू क्वार्टर हमें कम होते हुए नजर आए हैं भाई। इसके अलावा ये नोट्स आप लोग डिटेल में पढ़ लेना, ड्यूरिंग द क्वार्टर हमें क्या कुछ देखने को मिला वो आपको यहाँ पर डिटेल में जान देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो, इंपैक्ट बिल्कुल पॉजिटिव रहने वाला भी इस रिजल्ट्स का। और बाकी मार्केट के अंदर किस प्रकार से क्या माहौल बनते हैं उसके ऊपर वीडियो जल्द से जल्द लेकर आएंगे, तो तैयारी रखना भाई। और एनएचपीसी के रिजल्ट्स के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट आए तो इसका इंपैक्ट बिल्कुल पॉजिटिव कल के दिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।